इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ जो घंटी का निशान है इसको दबा दो, ठीक है? और सारा बवा यहीं सुनते रहो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ एक और बवा की नई कॉमेडी कॉल लेकर। आज का टॉपिक जो आया है वो अश्वनी की तरफ से आया है। उन्होंने बोला है कि अगर बवा को पति बेचने हो तो वो कैसे बेचेगा, तो इसी टॉपिक को लेके बवा ने कॉल किया और कैसे मजे लिए, आइए सुनते हैं। हेलो हेलो यस हेलो हाँ जी सॉरी हेलो Either you speak or let me speak first. पहले आप कौन बोल रहे हैं? मैं बहुआ बोल रही हूँ, नमस्कार। कौन बहू? .com से। आपको पति चाहिए था? पति चाहिए था क्या, मतलब पति बेच रहे हो? मैं ऐसे पूछ रहे हो? नहीं नहीं, प्लीज कोऑपरेट। बताइए, एक बार नाम कंफर्म कराइए। कविता बोल रही हूँ। ओह कविता जी, एक सेकंड। मैं कहीं कवि तेरे प्यार कविता जी, ये क्या है? थैंक यू दादा, वेलकम वेलकम। हाँ जी कविता जी, एक छोटा सा नजराना आपके लिए था। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वैसे आप बोल कौन रहे हैं और कहाँ से बोल मैं रहे हैं? तो आपको पति चाहिए था ना? तो मुझे पति चाहिए था, तो आप एक पति हैं, बात करिए। यहाँ पे रोहित सदाना जी, नमस्कार। हेलो, ये पति हैं, ये एक बड़े ही अच्छे कंपनी में सर्विस कर रहे हैं। नमस्कार। ये क्या हो रहा है? एक सेकंड, ये बहुत ही काबिल इंसान है। इनके पास दो गाड़ियां हैं, एक पत्नी है, तीन बच्चे हैं, भरा पूरा परिवार। आपने कहाँ पे कॉल किया? आपको पति, आपको पति चाहिए था ना? नहीं तो मुझे पति अपने लिए चाहिए, दूसरे का पति। आपने पति तो बोला थे, पति हैं। हाँ पति हूँ, बहुत काबिल पति हैं। मुझे मेरे लिए पति चाहिए, किसी और का पति नहीं चाहिए। तो पति तो पति, आप ये बोली ना लड़का चाहिए। मुझे लड़का चाहिए, मुझे दूसरे के पति नहीं चाहिए। अच्छा, आपको अपनी शादी के लिए एक लड़का चाहिए, इज दिस फाइनल? यस। ओके, आप किस विभाग में काम करती हैं और कैसा लड़का देख रही? मैं एडमिन में काम करती हूँ और मुझे इसी फील्ड का लड़का चाहिए। आप एडमिन में हैं और लड़का भी सेम फील्ड का चाहिए? हाँ जी, हाँ मुझे चाहिए कि सेम फील्ड का, सेम फील्ड का हो। कोई लड़का है भाई साहब? वो अपना कुंकू है, बहुत बड़ा एडमिन हेड है। कहाँ पे? बहुत ही बड़ा एडमिन हेड। चलेगा आपको? कहाँ पे? ये अपना क्या कहते हैं वो कंपनी व्हाट्सएप का एडमिन हेड है, ग्रुप हेड है वो। व्हाट्सएप का ग्रुप का एडमिन? व्हाट्सएप का एडमिन है? नहीं नहीं, तो नहीं नहीं प्लीज। कितने ग्रुप हैंडल कर रहे हैं? 15 ग्रुप हैंडल कर रहे हो? बताइए। थैंक यू। थक जाता है बेटे, थक जाता है वो हैंडल करता। सुनिए, तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? थैंक यू सो मच। हेलो, इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है भाई साहब? अंकिल नमस्ते। नमस्ते बेटे। मैं ये कह रहा था कि इतना पोल्यूशन है, इतना प्रदूषण है वातावरण में, खराब हो गया भाई साहब। धुआं आदमी खींचते खींचते फेफड़े खराब। लेकिन इसका पॉजिटिव साइड भी है भाई साहब। क्या पॉजिटिव साइड है भाई? कानून व्यवस्था कंट्रोल में रहती है इससे। मैं बता रहा हूँ, पुलिस और वकील लोगों में झगड़ा हुआ पिछले दिनों, ले मार पिटाई, ले घुसंड, क्या क्या नहीं हुआ भाई साहब। बिल्कुल, बहुत बात है। पोल्यूशन के चलते उस पर भी कंट्रोल आ सकता था, लेकिन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। इसमें क्या लॉजिक है भाई, कैसे हो? लॉजिक मैं बताता हूँ, लॉजिक। तो सपोज कानून व्यवस्था क्यों होती? सपोज कोई चोर लुटेरा, कोई अपराधी अपराध करके क्या करता है? अपराध करके क्या करते हैं पहले? भाग जाता है। भाग जाता है हाँ। कि अगर अपराधी अब इस टाइम पे अपराध करके भागेगा तो क्या होगा? पोल्यूशन इतना ज्यादा है, हाँफ हाँफ के लंबी लंबी सांस ले। हंस क्या रहे हो? सुनो तो, अपराध करके भागेगा, लंबी लंबी सांस लेगा, लंबी सांस से प्रदूषण उसके फेफड़े को खराब कर देंगे, बीमारी हो जाएगी, खत्म हो जाएगा अपराध। सुनो, अपराधी खत्म हो जाएगा, अपराधी को पकड़ने वाली पुलिस क्या काम करेगी? कुछ काम नहीं करेगी। और फिर हाँ खाली बैठ। और सुनो, फिर उसके चलते जो कोर्ट में केस पहुंचते थे वो भी कम हो जाएंगे। और फिर एक अपराधी पोल्यूशन के चलते अगर खत्म हुआ तो कोई अपराधी भागने की जुर्रत नहीं करेगा, और जुर्रत नहीं करेगा तो वो अपराध करने की भी जुर्रत नहीं करेगा। देखिए, बावली वो नहीं होता, खाड़ी बावली होता है, ठीक है? आप गलत बोल रहे हैं शायद, आपके तू है। चल,
गलत आदमी 93.5 FM बजाते रहो अंकिल नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो ठीक है। सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्कार। नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। हेलो। हेलो, शायद गलती से नेटवर्क कट गया फोन। अरे मैंने ही रखा भाई। तो मैं बउआ, एक सेकंड रुकिए, आपके पास 1000 का खुला तो नहीं होगा? अरे उसी के चक्कर में तो भाई बिजी हूँ। एक सेकंड सुनिए, कटरीना का नंबर है। किसका? कटरीना। क्या कटरीना का क्या करेगा? आपके पास नहीं तो मैं उनसे ले लूंगा। क्या ले लेगा? कटरीना से छुट्टा ले लेगा? छुट्टा ले लूंगा। बताओ कैसे? कैसी रही अंकिल? हेलो, अबे वो कटरीना छुट्टा नहीं देगी साले, वो आम का ऐड करती है ना, जो आम का वो आम निचोड़ के की तरह। अच्छा सुनो, कटरीना का नहीं है तो बुल्ला का नंबर है। बुल्ला कौन भाई? बुल्ला ये सुनो, मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। इसके पास खुल्ला मिल गया। अबे खुल्ला नहीं है, गलत आदमी। अच्छा सुन, एक बंदे का फोन आया था, उसने किडनैप कर लिया था किसी को। एक सेकंड रुक, उसने किसी को किडनैप किया था, जिसको किडनैप किया था उसके पापा को फोन करके बोलता है तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है। बाप बोलता है कितने पैसे चाहिए बताओ, तो पता है किडनैपर क्या बोलता है? कितना? कहता है पैसे। कितना नहीं बोलता, पैसे नहीं चाहिए, पैसे मेरे पास है, 2 करोड़ भेज रहे हैं, उसके खुल्ले दे दियो बस। ये सुन एक बार, मेरा नाम है बुल्ला। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो ठीक है। सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है आपको? मुझे तो आ रही है, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? मैं कह रहा था मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट चाहिए समाज को कुछ कुछ मैसेज देने के लिए, समझाने के लिए। मैं अक्सर फोन लगाया करता हूँ लोगों को, आज आपका लग गया है, पिछले 2-3 लोगों ने काट दिया फोन, इसलिए बात नहीं हो पाई। 2 मिनट में बातें खत्म, आप हो कि निपट लिए? हम तो है, लेकिन आपको कई लोग हैं जिनको हंसते वक्त गाल में डिम्पल पड़ते हैं, गड्ढे। हेलो यार, तो आपने मेरे को क्यों फोन किया? वही कह रहे हो, आपके पड़ते नहीं पड़ते? नहीं, आपने हमें क्यों फोन करा? एक सेकंड दे दो भाई साहब, यही समझा दूंगा, एक मिनट। कि जो ज्यादा हंसता है गाल में ज्यादा गड्ढे पड़ते जाते हैं, और अक्सर लोगों ने कहा है कि जो आदमी ज्यादा हंसता है अंदर से वो ज्यादा इमोशनल होता है, अकेले में रोता है। वो का गाना भी था ना, तुम इतनी ना जो मुसीकुड़ा रही हो, क्या गम है जिसी को। ऐसा कुछ नहीं किया जाता, मैं बता दूं आपको। तो आदमी को गड्ढे क्यों दिए गाल में? देखो, तो ज्यादा हंसने वाला अंदर से रोता है, अकेले में रोता है, और अकेले में ही आदमी कुछ ऐसे काम भी करते हैं, जैसे वसीयत बनाने का काम ओपनली करता नहीं है। अब वसीयत बनाते वक्त अगर वो रो रहा है तो सीधा वो आंसू की बूंद वसीयत पे गिरी, वसीयत खराब, जिसके नाम कुछ करना था, घर वालों के नाम कुछ कर नहीं पाए, बेचारे आपके जाने के बाद घर से बेघर हो गए, वकील सारा कुछ लेके बैठ जाएगा। इसीलिए गाल में गड्ढे बनाता है भगवान, जिससे जब आंसू आंख से निकले तो गड्ढे में गड्ढे भर जाए। भगवान मुझे माफ कर दो, गड्ढे इसलिए बनाते हैं जिससे आंसू गड्ढे में भर जाए, नीचे वसीयत खराब न करे। ए भाई मिल लो, जा रहा है भाई तो। इसलिए गड्ढे में पानी भर जाएगा, आंसू रुक जाएंगे, वसीयत खराब नहीं होगी। नहीं भाई, 93.5 FM बउआ बल्लो बजाते रहो अंकिल नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो ठीक है। सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। श्रेय ने कहा आज कि भाई बड़े सारे ऑफर्स कॉन्टेस्ट दिवाली के चलते चल रहे हैं मार्केट में, क्या बउआ भी इन पर कुछ मजे ले सकता है? बउआ ने एक अजीबो गरीब कॉन्टेस्ट खिलाया, कैसे सुनिए। हेलो, नमस्कार जी अंकिल। नमस्कार, कौन जी? मैं बउआ बोल रहा था। हाँ जी, तो ये से कॉन्टेस्ट के लिए फोन कर रहे थे? अरे मैं नहीं खेला कोई कॉन्टेस्ट। हेलो, प्लीज प्लीज। अरे पैसे काट ले तो। पैसे नहीं काटेंगे। फिर क्या काटोगे? क्या है ना, और एक प्रतियोगी हमारे साथ दूसरी लाइन पर भी है, नाम है उनका डगलस। डगलस मेहता फ्रॉम शकरकंदा।
अरे क्या बिजली की तार नहीं पकड़ ली नहीं कॉन्टेस्ट पे ध्यान दो। क्या कॉन्टेस्ट है? उल्टा सीधा कॉन्टेस्ट है। यहाँ पे हम आपको 3 शब्द देंगे, आपको उन अच्छा। शब्दों का उल्टा बोलना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया हवा, तो हवा का उल्टा होगा वाह। वाह क्या बात है। डगलस और आप दोनों खेलेंगे, पहले डगलस को 3 शब्द दूंगा फिर आपको। आर यू रेडी? ठीक। तो पहला शब्द है गाय। यगा। ओके। दूसरा शब्द है गधा। धाग। भाई साहब आप लाइन पे है ना? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ। तीसरा डिफिकल्ट है डगलस। आई एम प्रिपेयर्ड, आई एम ऑलरेडी। डालडा। डालडा। ओ वेरी गुड, जोरदार डाल दिया डगलस। थैंक यू सो मच। भाई साहब नाउ योर टर्न। 3 शब्द। पहला शब्द गाय। यगा। गधा। डॉग। और तीसरा डिफिकल्ट है। आर यू रेडी मिस्टर? हाँ। तिरुवनंतपुरम। ये कैसा मतलब है? बाप लगता वो तेरा शकल का पौवा। दूसरी राउंड खेल रहे हैं, इसमें 3 शब्द। डगले सबसे पहले आपको धागा। गाधा। गाधा। दापा। पादा। तीसरा शब्द डिफिकल्ट है। आई एम रेडी। साड़ी गामा। मागरेसा। वेरी गुड, डगलेस ने दूसरे राउंड क्रॉस कर लिया। भाई साहब आर यू रेडी? थैंक यू सो मच। रेडी। धागा। गाधा। गाधा। वेरी गुड। दापा। पादा। तीसरे थोड़े डिफिकल्ट। आर यू रेडी? रेडी। असही सुनूता। कौन नहीं सुनता? असही सुनूता, इसका उल्टा। इसका उल्टा? हाँ। ये जो डगलेस ड्यूस तूने बिठा रखा है वो तेरा रिश्तेदार है। क्यों बोल? उसको देता सारे का मा। हाँ। मेरे को देता आज सही सुनता। ये बोलने में भी 4 मिनट लगते हैं। है, है? है? इनका नाम दीपक है। हाँ। इनका उल्टा कपदी। कपजी। और तेरा क्या? डगलेस कर ले उल्टा मर जाएगा। डगलेस उल्टा कर उल्टा कर दुआ। सो कैसा लगा आपको ये नया टॉपिक बबुआ का? उम्मीद है आप सभी ने इंजॉय किया होगा। और आप जो भी आपको लाफ्टर मोमेंट अच्छा लगता है कॉमेडी कॉल का या लिसनर का या रिसीवर का, आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए ताकि हम उस टॉपिक को हाईलाइट कर सकें। और आप ऐसे ही प्यार देते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ।